ग्वालियर क्राइम ब्रांच के हाथ एक इंटरनेशनल फ्रॉड गैंग लगी है। गैंग में शामिल 22 साल की मोनिका अमेरिकन्स को जाल में फंसाती थी। वह जूम ऐप के जरिए यूएस के सिटीजन्स को लोन देने के नाम पर वीडियो कॉलिंग करती थी, अपना कमीशन इंटरनेशनल गिफ्ट वाउचर के रूप में लेती थी। यही वाउचर उसके साथ ही शॉपिंग में कैश करा लेते थे। पुलिस ने उसके 6 साथियों को भी अरेस्ट किया है। गैंग मेंबर खुद को लैडिंग क्लब अमेरिकन कंपनी का एजेंट बताते हुए लोन सेशन कराने का झांसा देते थे। सभी ग्वालियर में रहकर फेक कॉल सेंटर चला रहे थे। वैसे तो गिरोह में 7 सदस्य हैं, लेकिन 22 साल की मोनिका का मेन रोल रहता था। वह अपनी मीठी आवाज और मासूम चेहरे से अमेरिकन्स को इंप्रेस कर लेती थी। गिरोह के अब तक 250 अमेरिकन्स को ठगने के केस सामने आ चुके हैं, संख्या बढ़ भी सकती है। एसएसपी ग्वालियर अमित सांगी को बहुड़ापुर के आनंद नगर के एक मकान में फ्रॉड इंटरनेशनल कॉल सेंटर चलने की शिकायत मिली थी। जांच एएसपी क्राइम राजेश दंडोतिया को सौंपी गई। उन्होंने क्राइम ब्रांच के एक सदस्य को उस ठिकाने पर तस्दीक के लिए भेजा। मामला सही पाया गया तो क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। जब पुलिस मकान के अंदर पहुंची तो लैपटॉप और मोबाइल के जरिए टीम विदेशी नागरिकों से बात करते हुए मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी।